जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में स्ट्रीट वेंडरों की बैठक सकुशल संपन्न हुआ। इस अवसर पर अधिकारियों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा कि शासन की दो महत्वपूर्ण योजना में बैंकर की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, मुख्यमंत्री रोजगार योजना व स्वनिधि योजना में पथ विक्रेताओं के लिए लोनिंग से जोड़ने का कार्य चल रहा है, जिसको देखते हुए बैंकर्स के साथ बैठक की गई है। उन्होंने कहा कि 900 आवेदन पत्र बैंक में पेंडिंग है, जिसके निस्तारण के लिए 2 दिन का समय बैंक को दिया गया है और दोबारा इसकी समीक्षा 2 दिन बाद की जाएगी, जिससे कि सभी आवेदन पत्रों का समय से निस्तारण हो सके। अगर किसी भी पथ विक्रेता को लोन में दलाल हस्तक्षेप करता है तो प्रशासन के द्वारा जारी कंट्रोल रूम नंबर पर तत्काल सूचना दे, उनका हर संभव मदद किया जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये बैंक ऑफ बड़ौदा से कौन है? बैंक ऑफ बड़ौदा, बताइए आपकी पेंडेंसी कब तक पूरी हो जाएगी? इसमें सर 82 एप्लीकेशन। एक काम करिए, कल शाम तक अगर कोई पेंडेंसी रह जाती है तो बैंक मैनेजर और जिला प्रबंधक के खिलाफ आप ऊपर एक लेटर लिख दीजिए और जबरदस्ती लिख दीजिए RBI, वहाँ RBI में हमारे ऑफिसर जी हैं, उनके खिलाफ उनको भेज देंगे व्हाट्सएप या मेल पे। स्टेट बैंकर्स कमेटी, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस प्रमुख सचिव साहब और मुख्यमंत्री कार्यालय सब देखते हैं, सुधार होगा यहाँ, क्योंकि हमें सारा पता है ये जो पेंडेंसी है इसका मतलब क्या है, क्या हो रहा है। जब आवश्यक हो तो तुरंत मिल जाता है, जब आवश्यक नहीं है तो तुरंत नहीं होता, ये सब छानबीन हो जाएगी 2 मिनट। क्यों आपकी पेंडिंग है 34? ये गोरखपुर ब्रांच में 39 बचे हुए हैं, तो अगले 2 दिन में क्लियर। इंडियन बैंक आजाद चौक, इंडियन बैंक से कौन है? इंडियन बैंक से। अब बताइए क्यों इतने पेंडिंग है? सर अभी 10,000 का ये चल रहा है, क्यों आपके केस 2 मिनट में बाहर आ जाएगा? मेरे पास पता है आपको कितने डिकॉय चल रहे हैं?